अस्सलाम वालेकुम जी, सीएसवी फाइल और एक्सेल की फाइल के अंदर क्या फर्क होता है और क्यों इन दोनों के साइज वेरी करते हैं, इसमें हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। क्योंकि जो कल का लेक्चर था हमारा आर का, उसके अंदर जब हमने एक्सेल की फाइल बनाई थी उसका साइज कम था एज कम्पेयर टू सीएसवी फाइल, या सम सिनेरियोज में सीएसवी फाइल यानी कि कोमा सेपरेटेड वैल्यू का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और या कभी कभार कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सेल फाइल। ये कौन से सिनेरियोज हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ एंड देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज वेल। सो ये एक मैंने फाइल बना दी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट इन आर, और ये फाइल जो गिटहब की रेपोजिटरी में कल बना रहा था वो अभी तक उसमें अपलोड नहीं हुई, बट मोस्ट प्रोबेबली आज लेक्चर के बाद जो है वो गिटहब की रेपोजिटरी आपके सामने आ जाएगी। एक्सेल एस एक्स वर्सेज सी एस बी फाइल, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क देखने के लिए हमें जो है वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि एक्सेल एस एक्स की फाइल यानी कि एक्सेल की फाइल और सी एस बी फाइल होती क्या है। कंप्रेशन की अगर बात की जाए तो जो एक्सेल एस एक्स फाइल होती है ये जिप बेस्ड कंप्रेशन होती है, यानी कि एक फाइल, मैंने आपको बताया था ना वो रजाई वाली एग्जांपल कि रजाई को अगर हम बैग में से खोल देते हैं तो वो कितनी बड़ी रजाई बन जाती है, लेकिन अगर उसको हमें प्रेस करते 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 एक छोटे से बैग में भी डाल देते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो जिप बेस्ड कंप्रेशन क्या होता है कि चीज़ों को ऐसे दबा दबा के आप जिप्ड कर देते हैं ऊपर से ताकि उनका कंप्रेशन जो है वो छोटा हो जाए। और जो सी एस पी फाइल होती है उसमें कोई भी कंप्रेशन अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट होता है प्लस आपके कॉमा होता है और जिससे कॉलम सेपरेट होते हैं और प्लेन टेक्स्ट की फाइल होती है। समटाइम्स दिस लीड्स टू लार्जर फाइल एंड समटाइम्स दिस लीड्स टू लार्जर फाइल। इसके अंदर कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन का मतलब यह है कि अगर किसी डेटा को आप कंप्रेस कर रहे हैं तो उसकी मेजर इंफॉर्मेशन जो बिगिनिंग वाली है उसे आपको स्टोर करना पड़ता है और उसके लिए आपको मल्टीपल फाइल्स चाहिए होती हैं। एक्सेल की अकेली फाइल कभी भी एज इट इज नहीं चल रही होती, एक्सेल एस एक्स में मल्टीपल फाइल्स होती हैं। फिर अगर डेटा स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी की बात की जाए, यूजुअली ये कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ते हैं बट आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है और किस तरीके से स्टोर होती है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एक्सेल की फाइल जो स्टोर करती है डेटा इन स्ट्रक्चर्ड बाइनरी फॉर्मेट विद ऑप्टिमाइज स्टोरेज फॉर नंबर्स डेट्स एंड रिपीटेड पैटर्न्स। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास नंबर्स हैं डेट्स हैं या रिपीटेड पैटर्न्स कोई आ रहे हैं तो वो उसका एक ही कोड होगा। मतलब अगर पांच क्या एक नंबर एक एक्सेल की फाइल में 10 या 20 दफा लिखा है वो एक ही दफा स्टोर होके उसके साथ लिंक करता जाएगा, ये पांच है ये पांच है ये वही नंबर है जो पहले आया था ये वही नंबर है जो पहले आया था ये वही नंबर है। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ लिंकिंग। लेकिन यहां पे क्या होता है, स्टोर्स डेटा एज प्लेन टेक्स्ट विद डिलिमिटर्स रिजल्टिंग इन मोर रिटेंडेंसी एंड लार्जर फाइल साइज। यहां पे क्या होता है, आपकी फाइल जो यहां पे कनेक्शन बना रही थी यहां पे कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, जस्ट टू कीप इन माइंड कि ये नहीं कहता कि वो वही नंबर है जो पहले था। वो एक कपिल शर्मा के शो के अंदर एक बाबा जी आए थे एक दफा, तो उनकी एक बात मुझे अभी तक याद है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कपिल ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बता दिया। तो थोड़ी देर बाद कपिल कहता यार आप तो बहुत फनी बंदे हो, आपका नाम क्या? कहता वही जो पहले बताया था। सो कहने का मकसद ये है कि एक्सेल की फाइल सेम काम करती है, इस डब्बे में क्या है पांच है, फिर दोबारा पूछेगा ना जहां पे पांच है वो कहेगा वही है जो पहले डब्बे में था। लिंकिंग बैक सीएसवी फाइल के अंदर दिस गोज इन डिफरेंट वे। सीएसवी फाइल के अंदर आप जितनी दफा एक चीज को पूछेंगे वो बार बार आपको बताई जाएगी, राइट? सो ये स्टोर्स इस तरीके से होता है। देन मेटा डेटा एंड फॉर्मेटिंग, जिसमें एक्सेल एस एक्स की फाइल के अंदर आपका जो मेटा डेटा होता है, फॉर एग्जाम्पल सेल स्टाइल फॉर्मूला मल्टीपल शीट्स विच कैन एड टू फाइल साइज बट ऑफन ऑफसेट बाय कंप्रेशन, यानी कि जितने फॉर्मूले आपने लगाए होते हैं ना एक्सेल की शीट के अंदर जो सीएसवी फाइल के अंदर नहीं लगते उसका मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा मतलब वो एक्सेल की फाइल के अंदर फॉर्मूले का फंक्शन भी आया होता है, लेकिन जब वो कंप्रेशन होती है ना फाइल तो उसको ऑफसेट कर दिया जाता है उस फॉर्मूले को, यानी कि उनकी इन्फॉर्मेशन ही साइड पे कर ली जाती है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वहीं पे होती है जो पड़ी होती है। सो जब आप उसे ओपन करते हैं वो दोबारा से रीसाइज हो जाती है। सो दैट्स वन थिंग, यहां पे कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है ना कोई मेटा डेटा होता है, नथिंग देयर, इट्स अ प्लेन टेक्स्ट फाइल, प्लेन टेक्स्ट फाइल। हैंडलिंग ऑफ स्पेशल करेक्टर्स, यहाँ पे एफिशिएंट इनकोडिंग मैकेनिज्म होते हैं जो स्पेशल करेक्टर लाइक एट द रेट समिशन या कोई इक्वेशंस वगैरह जो आप लिख रहे होते हैं उनको वो रिड्यूस स्पेस करके स्पेशल करेक्टर को डाइवर्स डेटा टाइप की बेस पे लिख रहा होता है। आपने देखा होगा एक्सेल की फाइल के अंदर टॉप राइट पे सिंबल्स का एक फंक्शन आ रहा होता है जहां से आप स्पेशल करेक्टर डाल सकते हैं, और वो इनकोडिंग इतनी फास्ट है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मतलब सालों से, मैं कहूंगा दहाइयों से एक्सेल पे काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, तो उन्होंने बहुत इंप्रूव किया। यहां पे क्या होता है, मे रिक्वायर एडिशनल स्पेस टू रिप्रेजेंट स्पेशल करेक्टर्स करेक्टली। कभी कभार ऐसा होता है जब आप सीएसवी फाइल के अंदर स्पेशल करेक्टर लिखते हैं दोज आर डिफरेंट, तो ये कुछ फर्क हो गए। फिर डेटा वॉल्यूम की तरफ जाते हैं, यहां पे लार्जर डेटा सेट्स बेनिफिट मोर फ्रॉम कंप्रेशन। यही काम हमारे साथ हुआ है कल,
3,37,676 या 776 रोज थी, बड़ा डेटा था, उसमें हमें फायदा मिल गया डेटा को कंप्रेस करने का, और हमारी एक्सेल की फाइल 27 MB की हो गई एज कंपेयर टू CSV की फाइल जो हमारी 35 MB की थी। समझ रही बात की? वही काम यहां पे चला कि लार्जर डेटा सेट बेनिफिट मोर फ्रॉम कंप्रेशन रिजल्टिंग इन प्रोपोर्शनली स्मॉलर फाइल साइज। एज यहां पे क्या था, CSV की फाइल के अंदर डेटा वॉल्यूम इंक्रीजेस, फाइल साइज ग्रोज लीनियरली विदाउट एनी कंप्रेशन बेनिफिट, लीनियरली। समझ आई बात की? यानी कि अगर मेरे पास 10,000 रोज है उसका साइज 2 MB है, 20,000 का मेरे पास 4 MB होगा, 30,000 का मेरे पास फिर 2 MB बढ़ जाएगा, 6 MB। समझ रहे हैं? सो लीनियर वे में जा रहा है, यहां पे लीनियर नहीं होता, जितना फाइल साइज बढ़ता जाएगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट में छोटी जो डेटा सेट है 20 25 30 रोज के, उनका साइज एक्सेल का बड़ा होगा, CSV का छोटा, लेकिन जैसे फाइल बढ़ती जाएगी यहां पे साइज रिड्यूस होता जाएगा एक्सेल की फाइल में, CSV में उतना ही लीनियरली इंक्रीज करेगा। सिंपल वही चीज। ओवरहेड फॉर स्मॉल डेटा सेट, यहां पे XML देयर आर मेनी हेडर्स एंड सम अदर थिंग्स, जो स्ट्रक्चरल ओवरहेड होते हैं वो एक्सेल के अंदर होते हैं, यहां पे मिनिमल होते हैं। ओवरहेड्स का मतलब होता है थिंग्स अदर देन द डेटा, ठीक है, यानी कि डेटा कहां से आया, किसने बनाया, कौन से किस तरीके से इनकोडिंग हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो एक्सेल में यहां पे ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। नॉन कंप्रेसिबल डेटा, यहां पे क्या होता है, इफ डेटा लैक्स रेपिटेशन और पैटर्न, अगर डेटा बहुत यूनिक होना तो डेटा कंप्रेस नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका डेटा सारे का सारा यूनिक है एंड देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एक्सेल की फाइल बड़ी हो जाएगी। समझ रहे बात को? और ये जब एक्सेल की फाइल बड़ी होगी इसका मतलब है इसमें हाई एंट्रोपी होगी। हाई एंट्रोपी का मतलब ये है कि हाई डिफरेंशिएशन, हाईली डिफरेंट डेटा है, यानी कि सेम नहीं है। समझ आ रही बात की? वेरिएंस ज्यादा है डेटा में, आप कह सकते हैं, बट इन अनदर वे कि 2022 बार बार नहीं आ रहा। जैसे कल पूरे डेटा सेट में एक रो 2013 की थी और मंथ्स का 1 से 12 बार बार आ रहे हैं, डेज का 1 से 31 बार बार आ रहे हैं। सो दैट्स द थिंग। सीएसवी में कोई साइज पे इफेक्ट नहीं पड़ता अगर डेटा कंप्रेसिबल है या नहीं है। इंक्लूजन एडिशनल फीचर, अगर यहां पे आप इमेजेस, चार्ट्स और कंप्लेक्स फार्मूला ऐड करते हैं तो फाइल साइज इंक्रीज हो जाता है, यहां पे कर ही नहीं सकते आप ऐड, सिंपल। एक्सेल की फाइल के अंदर आपको पता है ना, चार्ट्स वगैरह, फार्मूले वगैरह, इधर उधर की चीजें आप ऐड कर सकते हैं, इवन एक्सेल में डैशबोर्ड्स भी बन सकते हैं, सीएसवी में नहीं बन सकते क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट फाइल है, दिस इज नॉट अनदर फाइल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तीन जो हमारे डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ शीट्स। एक्सेल में आप शीट्स रख सकते हैं, sheet 1, sheet 2, sheet 3, सीएसवी में नहीं होती, ठीक है। फिर आती है आपकी पोर्टेबिलिटी एंड कंपेटेबिलिटी, यहां पे एक्सेल को एक्सेल की फाइल के अंदर ही आप चला सकते हैं, यू कैन नॉट रन दिस फाइल विद अनदर एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड लिब्रे ऑफिस, यानी कि ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर हैं वही इसको रन कर सकते हैं, XLSX की फाइल को। सीएसवी को जहां पे मर्जी ओपन कर लो, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड में भी चलेगी, वन नोट में, वर्ड में भी, देर आर मेनी अदर, नंबर्स की ऐप है, फिर देर आर मेनी अदर्स, तो वहां पे चल पड़ेगी, हाईली पोर्टेबल है। रीडेबिलिटी में XML बेस्ड स्ट्रक्चर इज नॉट ह्यूमन रीडेबल विदाउट अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, ये आप रीड नहीं कर सकते, ये आप आंखों से ही रीड कर सकते हैं फाइल को, डायरेक्टली कॉमा लगा होता है, सिंपल। सो ये है कुछ डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए कि एक्सेल और सीएसवी का फाइल का साइज कैसे बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है। तो अब आपने समझ लिया कल जो हमने काम किया था, जहां पे 35 MB की हमारी सीएसवी फाइल थी एंड 27 point something MB की हमारे पास थी एक्सेल की फाइल, उसकी रीजन क्या थी, अब आपको समझ आ गई होगी। एक तो उसमें रिपीटेड पैटर्न थे इस वजह से कंप्रेस होगी, दूसरी चीज सीएसवी की लीनियरली इंक्रीज करती इस वजह से वो 8-9 MB ज्यादा थी, एंड तीसरी साइड पे मैं आपको ये कहूंगा कि डेटा जो है उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपके फाइल का कंप्रेशन साइज क्या है, एंड ऑफ कोर्स आप किस सॉफ्टवेयर से इसको जो है वो एक्सपोर्ट करें, दीज ऑल थिंग्स मैटर। इसी वजह से लोग सीएसवी फाइल को प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज मोर पोर्टेबल, मोर यूजफुल, एंड समटाइम्स यू डोंट नीड कंप्रेशन टू डील विद योर डेटा सेट। और सीएसवी की फाइल अक्सर औकात आपकी IDE यानी कि आर स्टूडियो एंड VS Code etc. इस तरह की जो IDEs होती हैं वहां पे इजीली ओपन हो जाती है, एक्सेल की फाइल इजीली ओपन नहीं होती। और जब डेटा बहुत बड़ा हो जाए, एक्सेल की फाइल मेमोरी ज्यादा लेती है सीएसवी की फाइल की निस्बत, यानी कि एक्सेल की फाइल को आप चुटकियों में ओपन करते हैं अगर वो छोटी हो, लेकिन जैसे ही एक्सेल की फाइल बड़ी हो जाएगी क्लिक करके बैठे रहो वो ओपन ही नहीं होती, सीएसवी की फाइल ऐसे ओपन हो जाती है, एफिशिएंट होती है। सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद एनी ऑफ दीज फाइल्स। ये दो इंपॉर्टेंट फाइल्स थी, इस वजह से इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सीएसवी और एक्सेल की फाइल, देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट और चैट।